हेलो गाइस, आ चुके हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आने के बाद अभी चल रहा है एडमिट करवाने का प्रोसेस। एडमिट करवाने इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, हाथ वगैरह कट्ठी में तो बात अंदर गई है स्कीम के पास। तो अब तो आपको जो भी दिख बताएं बात अभी तो फिर भी करवा देगा। अभी तो ऐसे ही बैठे रहना है, तो पर क्या करिए, कितना टाइम लगता है। तो चलिए देखते हैं आपसे अभी होने के बाद आपको बताएँ। तो गाइस सविता को लेके जा चुके हैं अंदर अब वोटिंग में, और डॉक्टर भी आ गए हैं। 10:30 बजे का टाइम हो चुका है, देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा, कितना कहना लगेगा। इन्होंने कही है भाई यहाँ बाहर बैठो, कभी जो भी जो उसकी जरूरत होता कि अरे इसके पापा भी होंगे ठीक है जी, ठीक है जी। तो गाइस मैं दवाइयाँ वगैरह मंगवा लेती हूँ, इसके पापा गए हुए हैं अभी बाहर में। बैग वैग गाड़ी में ही रखा था, निकलवाया ना था मेरा, कहूँगे तो भाई निकाल देंगे ले जाएंगे अंदर। अभी इसके पापा गए हैं अंदर लेने, बैग वैग निकलवाने के, बच्चे के कपड़े वगैरह सब चीज़ चाहिए पड़ते हैं। तो जैसा भी जो भी कुछ रहेगा आप एक घंटा बिल्कुल धब 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 तक रहेगी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, जो भी होगा आपको मैं बताऊँगी, अपनी रिपोर्ट करेंगे क्या क्या कैसे क्या हुआ था। बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, मुझे दवाइयाँ वगैरह देखी ना, जब से मुझे ऐसा हो जैसे उल्टी आई है सच में। घबराहट हो रही है अजीब सी, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। वैसे सब कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं सिस्टम, जो बाल बाप के बिल्कुल जी घबरा रहा है, डर लग रहा है अजीब सा। इस पर ये प्रे है कि सब अच्छे से हो जाए, दोनों माँ और बच्चा सेफ हो। दिन से बस वही दौड़ा, पता नहीं अजीब सा हो रहा है। इसके पापा भी अभी तक तो यहीं बैठे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि यहाँ से कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठे रहना है। कहीं फोन आ गए तो उधर अटेंड करने गए कि भाई क्या पता किस टाइम किसी कैसी जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ से बाहर से नहीं जाना है, बिल्कुल यहीं बाहर बैठे रहना है, इसीलिए बिल्कुल बाहर ही बैठे हैं। बेबी के कपड़े वगैरह तो निकाल दिए, क्योंकि डॉक्टर वो आई थी नर्स के, अभी मैं थोड़ी देर में लेने आऊँगी। अभी बेबी तो नहीं होगी क्योंकि रोने की आवाज़ बाहर सुन जाती। हो जाएगा तब देखते हैं कैसे क्या, दिल डर रहा है अजीब सा हो रहा है। हेलो गाइस, शाम का टाइम हो चुका है, टाइम हो गया 7:30 बजे का, और हम अपने रूम में बैठे हैं। दिन में कुछ शूट सा ना करें क्योंकि भाई दिन में हो जा है, ये ऊपर रूम में आ गए थे, फिर बच्चे को दूध वूध पिलाना इसके उसमें, फिर कुछ था भी नहीं खास शूट करने को, इसलिए कुछ नहीं किया। मैंने सोचा अभी आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी अपने बेबी की झलक दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी फेस नहीं दिखाएंगे आपको, एक मिनट रुक जाइए, बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा छोटा सा छोटूशा बेबी सो रहा है, अभी दूध वूध पिलाया है तो अभी सो रहा है, अभी इसका फेस रिवील नहीं कर रहे। और तो अभी इसकी आंटी को भी अभी शाम को 6 बजे डॉक्टर ने बता दिया था कि पानी पिला दो, गर्म पानी पिलाया, उसके बाद चाय बिस्कुट दिए थे वो भी कि ताकि उल्टी वगैरह का पता लग जाए, तो उल्टी वगैरह नहीं हुई। अभी दवाई ववाई दे दी है, तो अभी थोड़ा सा क्योंकि 3 बजे वो उठने के बाद बिल्कुल नहीं सोई, बिल्कुल अभी 3 बजे मेरे ख्याल से 2:30 बजे से उठ गई थी बस, जब तक बेहोश का असर था तब तक सोई है।
ढाई बजे से उठने के बाद अब 7:30 से हुई है। अब अच्छा जितना सोएगी उतना रिकवर होएगी जल्दी जल्दी, तो इसीलिए। और हमारा बेबी भी छोला है, अभी रात को देखो क्या करता है, परेशान करता है या नहीं करता, क्या करेगा क्या नहीं। तो और आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा रूम, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा किचन सेगा दे रखा है और वहाँ पर थोड़ा सा अलमारी पर दवाई वगैरह रख रखी है, हमने अपना सामान वहाँ रख रखा है। और एक बेड सा ये है जहाँ पर हम बैठे हैं, एक सिंगल सा एक वो है, रात को सोते टाइम इन दोनों को डबल कर लेंगे। और थोड़ा सा तो जब तक तो टेंशन सा दिमाग था कि भाई क्या होगा क्या नहीं, जब मैंने आपको शूट करके बताया था, फिर उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगा कि भाई कुछ भी, और फिर मन सा भी नहीं करा उसके बाद, क्या क्योंकि आपको पता ही है बेबी होने के बाद कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, और साथ में बेबी को भी देखना, और कभी कोई डॉक्टर आ रहा है कभी नर्स आ रही है, तो थोड़ा सी देर तक डिस्टर्ब सा वो हो जाता है ना, तो उसमें ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता कि भाई हम लोग शूट कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी इसको भी दूध पिला दिया, ये भी सो रही है गुड़िया भी, और इसकी मम्मी भी सो गई। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ये ब्लॉग कर लेते हैं, और प्रियांशी ने घर पर क्या शूट कराया क्या नहीं बीच में आपको वो दिखा देगी, मैंने यहाँ का दिखाया बीच का, उसने वहाँ पर मेरे बिना क्या क्या किया है वो वहाँ पर दिखाएगी। देख बीच बीच में आप देखते रहना, इन्जॉय करना ब्लॉग को। तो गाइस आ चुकी हूँ घर, नहा ली, पोछा लगा दिया, इसकी मम्मी झाड़ू झूड़ू काट के जा रही थी, खाना मंगवा खाना खा लिया, उसने खाना वाना बना रखा था बड़ी मम्मी ने इसकी ने, और नितेश लेटा हुआ है, तबीयत थोड़ी सी बदन दर्द कर रहा है देखो कि मतलब बुखार भी ना चढ़ता गुस्सा भी ना होता। अतः ई भी इसकी बड़ी बुआ आ रही है, जाऊँगी उसके पास अटिया की रेस डालूँगी, और काम कई काम है भी सारी निपटाऊँ हूँ ई फटाफट फटाफट। तो बाकी जो है कुछ पोछा लगा दिया मैंने आके, बाथरूम वाथरूम क्लीन कर दिया, नहा ली, खाना खा लिया, फ्रेश से हो गए, कभी हॉस्पिटल में ही सार था जो खुद में तो मैं कहा स्मेल आवा है हॉस्पिटल में तो हो ही जा, दूसरा आदमी भी बीमार सा, पर कोई ना एक दो दिन की वो है भाई, ये तो अपना बालक तो करना ही पड़ा है। तो चलिए जाऊँगी थोड़ी देर इसकी बुआ के पास जाऊँगी, बड़ी बुआ तो मिल खाऊँगी, ठीक है। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए तो बस इतना ही, आज के ब्लॉग में हमने और कुछ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आज का ब्लॉग का मेन मोटिव ये था कि मम्मी ने जो भी वहाँ हॉस्पिटल में शूट किया था जो भी, तो आज का ब्लॉग टोटली मम्मी के अराउंड है, मतलब मम्मी ने ही सारा ब्लॉग शूट किया है, बस एंडिंग में ले रही हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट करके बताना मम्मी ने कैसी ब्लॉगिंग की, मैं ज़्यादा अच्छी ब्लॉगिंग करती हूँ या मम्मी अच्छी ब्लॉगिंग करती है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।